अपने विवादित बयानों के लिए अक्सर चर्चा के केंद्र में रहने वाले महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा बोला जिसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। राज ठाकरे ने इस बार महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के लिए प्रवासी मजदूरों को जिम्मेदार ठहराया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ डिजिटल संवाद के बाद राज ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र भारत में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वाला राज्य है जो अन्य राज्यों से बड़ी संख्या में श्रमिकों को आकर्षित करता है। जिन जगहों से ये श्रमिक आए हैं वहाँ पर्याप्त जांच सुविधाएं नहीं है। उन्होंने आगे कहा, पिछले साल लॉकडाउन के दौरान भी मैंने सुझाव दिया था कि जो प्रवासी अपने राज्य लौटे हैं उनकी जांच कराई जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। एमएनएस प्रमुख ने मुख्यमंत्री से आपस में दूरी बनाकर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करने और जिमों को अपना काम करने देने की मांग की है। महाराष्ट्र में लगाई गई नई नाइट कर्फ्यू का हवाला देते हुए राज ठाकरे ने कहा, इस अवधि में दुकानें कम से कम 2-3 दिन खुली रहने दी जानी चाहिए। रविवार को घोषित पाबंदियों के अनुसार महाराष्ट्र में जरूरी सेवा वाली दुकानें, दवा दुकानों और किराना दुकानों को छोड़कर बाकी सभी दुकानें 30 अप्रैल तक बंद रहेंगी। सरकार कहती है कि पाबंदियों के दौरान विनिर्माण की अनुमति होगी। यदि दुकानों को ही खुलने की अनुमति नहीं होगी तो विनिर्माण गतिविधि को जारी रखने की इजाजत देने का क्या तुक है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामलों और लॉकडाउन के खतरे को देखते हुए अब मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय लोग और प्रवासी मजदूर वापस अपने गृह राज्य लौटने लगे हैं। मुंबई के सभी स्टेशनों पर उत्तर भारत की तरफ जाने वाली ट्रेनों के इंतजार में लोगों की मौजूदगी दर्ज की जा रही है। राज्य में लगे नाइट कर्फ्यू और वीकेंड लॉकडाउन ने लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया है। बीते लॉकडाउन के जख्म आज भी लोगों के दिलों में ताजा हैं, लिहाजा इस बार लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड-19 की रफ्तार कम नहीं हो रही है और लगातार नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। राज्य में 6 अप्रैल को 55,469 नए मामले सामने आए, जिसके बाद पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 31,13,354 हो गई है। वहीं 297 और मरीजों की मौत के बाद इस वायरस से मरने वालों की संख्या 56,330 हो गई है। लेकिन क्या प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रवासी मजदूर ही जिम्मेदार हैं? ये एक बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट।